सो केस स्टडी जो हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मीना की हमने ली थी, इन द केस ऑफ फुलफिलिंग द आइडिया ऑफ न्यू वुमेन इंडिया इज मिथ, वो या तो रियल हो सकती है, फिक्शनल हो सकती है. देन फॉर एग्जांपल और किस तरीके से हम बहुत सारे डायमेंशन दे सकते हैं, ओरिजिनलिटी दे सकते. फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट पे ऐसे लिखा, तो उसमें लिखा कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कैसे स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया वाटर की इंपॉर्टेंस की, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, बट नाउ वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द वाटर, टू नाउ इट इज़ बिकम द स्कैर्स रिसोर्स, स्कैर्स रिसोर्स बन गया एंड इट्स अ वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल. तो इसलिए तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिफ्ट आ रहा है बिटवीन वेरियस स्टेट्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म, रीजनलिज्म की प्रॉब्लम है. एंड सो यहाँ पे वाटर का स्पीड, तो यहाँ से अराइज हो रहा है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट. तो ये क्या है, ये सोशल डायमेंशन किस तरीके से पॉलिटिकल डिस्प्यूट दे रहा है. फिर इकोनॉमिक डायमेंशन दे सकते हैं, वाटर सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इससे क्या हो रहा है, रिफ्ट आ रहा है बिटवीन द स्टेट्स. तो इकोनॉमिक एंगल भी डाल दिया. तो इस तरीके से वेरियस वेरियस डायमेंशन दे सकते हैं, एक पॉलिटिकल इशू को सोशल डायमेंशन की तरह से भी देखना है.